అప్రేత్వాహ ధ్వనయేవ స్ఫోటస్య వ్యంజకాహ. దూసరలోం కా కెనా హై జో ధ్వని ధ్వని హి స్ఫోట్ కా వ్యంజక. వర్ణ భీ నీ, వర్ణ తో ధ్వని కా స్థూల రూప, వర్ణ భీ క్యా ధ్వని కా స్థూల రూప. ధ్వని అసలీ సూక్ష్మ రూప హై. వైఖరి మధ్యమా పశ్యంతి పూర్వ మే ఏక ధ్వని మాన్నా వై స్ఫోట్ కా అభివ్యంజక. తైశ్చ మరుద్భిర్ అనవయవయ ఏష స్ఫోట. ఔర్ వే కైసే ఆ గయే ధ్వనియా, వో వాయు సే ఉత్పన్న. తైశ్చ మరుద్భిర్ ఔర్ యే జో స్ఫోట్ హై యే క్యా హై, అనవయవయ ఏష స్ఫోట్. ఔర్ యా స్ఫోట్ నిరవయవ హీ హోతా హై. అవివేచ్యమాన తాళవాది స్థాన కరణ సంయోగోపాధివశ ఉపప్లవమాన నానా అకార గకారాది భాగయోగి ఇవ ప్రతిభాస. యారే ఉపాధికో లే రే ఉపాధి పక్ష. అవివేచ్యమాన యహ నిరవయ హోకర్ స్ఫోట్ అభివ్యక్త్ హోతా హై. కైసే కదే తాళవాది స్థాన, तालवादी स्थान और विभिन्न जो करण उनके संयोग आत्मक उपाधि के वजह से वायु जो निकला पेट से ऊपर आया वायु, तालवादी स्थान रूपी जो करण है इनके साथ से वायु का संयोग हुआ, टकराव हुआ, उससे ध्वनि निकली. अब करते जितने भी बाजे हैं, देखो जितने भी बाजे करते क्या, आप कहीं तार होते यूं यूं करेंगे, वो हवा उस क्षेत्र की हवा है उसको मारेगा और ये गोल बना हुआ है उसके अंदर की हवा को वो आवाज़ देता है, उससे आवाज़ निकलती है. हवा के बिना कोई बाजा नहीं. और जितने टाइट करेंगे वगैरह करते हैं ना, वो उसे हवा के को मजबूत करते हैं. कई बार क्या उसे और नहीं होता तो गर्म करना पड़ता है हवा को, ऊपर चमड़ा वमड़ा को गर्म करते हैं. जैसे ढोलक वगैरह होता है, तबला वगैरह होता है, उसको गर्म जब गर्म करेंगे तब सही काम करेगा. वो हवा भी गर्म होगा अंदर में तब काम होगा. तो इसलिए कहते ये वायु ही क्या करता है, ये विभिन्न साधन. यहाँ क्या है वर्तमान बाहर बाजा को छोड़ो, यहाँ ले ले तालवाज स्थान है हमारे पास, या विभिन्न करण अष्टकरण माना गया आठ स्थान जहाँ से वायु आके टकराता है तब वो ध्वनि निकलती है. और उस ध्वनि में हम लोगों को अभ्यास करा दिया, ऐसी ध्वनि आ जाए उसका नाम ओ, ऐसा ध्वनि हो तो आ. हम बोल रहे क्या है, ध्वनि तो निकल रहा लेकिन बचपन से अभ्यास करा लिया, उन विशिष्ट ध्वनियों में विशिष्ट वर्णों का अभ्यास करा दिया, ऐसे आवाज आएगा तो उसका नाम ये वर्ण है. अभ्यास हो गया, अब वो ध्वनि आती रहती है, वो ध्वनि को लेकर हम अपने आप समझ गए. इसलिए देखो ना, सब लोग क्या है, अंग्रेजी लोग क्या है, हिंदी के सभी लोग क्या है, ध्वनि मुद्रण शब्द मुद्रण कर रहे हैं क्या, रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुद्रण माने रिकॉर्डिंग. क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप, ही नहीं मैं शब्द वर्ण को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नहीं आप ध्वनि का मुद्रण हो रहा है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है. नहीं, चित्र का जो मुद्रण हो रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब ध्वनियात्मक है, ध्वनि का ही प्रसारण होता है. इसे इनका कहना है कि ध्वनि की सारी महिमा है. इसने क्या किया, उपाधि के वजह से उपप्लवमान नाना अकार गकार आदि भाग योगी व उससे उपप्लावित हो करके उसे संबद्ध होने के कारण से, उसे अभिव्यक्त होने के कारण से स्फोट क्या हो गया, अकार गकार आदि का संयोग उसे संयुक्त हुए के समान तद्भागी के समान भाषित होने लगा. इव प्रतिभासते मरुतान चंचलत्वात् उच्चारित प्रध्वंस नस्ते काल्पनिक का भाग भाषणते. और ये जो ध्वनि भी क्या है, ये काल्पनिक है, अपनी कल्पना है. ऐसी ध्वनि हो तो ऐसा, ऐसी ध्वनि हो तो ऐसा, अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकालीन परंपरा से चला आ रहा है. संस्कृत हो जाए कोई भी भाषा हो, सब भाषाओं की बात. एक ध्वनि विशेष में हमने उसमें अक्षरों की कल्पना कर ली, वर्णों की कल्पना करके वर्णमाला बना लिया और उसका पदमाला वगैरह व्यवस्था कर लिया.
चाहे बाजाओं में भी देख लिया। और क्या बजा रहा है भाई, सारे गा मा बोलेगा, पै 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 हो रहा है वहां, और आप उसको सारे गा मा समझ रहे। यहाँ पर बोल दिया, यहाँ दबाओ करो, बस आवाज करा दी और बस ट्यूनिंग हो गया तुम्हारा। और गुरु ने कह दिया, आपने मान ली ट्यूनिंग हो गया, हम मान ली पुस्तकें बना ली। हजारों संगीत के पुस्तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लोग, ध्वनि तो है। और एक तरह की बाजा ने हजारों तरह की भाषाएं देश में विश्व भर में हजारों तरह की बाजाएं, सबसे ज्यादा बाजा तो भारत देश में, इतनी प्रकार की बाजाएं कि पूछो ही नहीं। विदेशी बाजाएं तो बहुत ही कम है, विदेशों में इतने नहीं है वैरायटी वहां, यहाँ की इकट्ठा करो तो 1000 से ऊपर हो जाएंगे, इतने प्रकार के छोटे छोटे विचित्र विचित्र टाइप के बजाते हैं, पत्र हिला रही करके कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, कट 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 करते लकड़ी को लेकर गए, बड़े विचित्र है। जल तरंग देखो, पानी की जरूरत टिंग टिंग बजाते रहे जल तरंग, एक से एक तरीके की बाजा बना रखी है लोग। और सबसे बढ़िया एक तारा होता है, टें 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 टें, विलक्षण चीज है ये। कहते कैसे ये सब चंचलता मरुता, वायु चंचल है और उच्चारित प्रध्वंसिना, और उच्चारण प्रध्वंस के हो रहा है, उच्चारण क्रिया और क्रिया का ध्वंस से ये ते ये जितने भी है ध्वनिया और उनसे कल परिकल्पित वर्ण, ये सब क्या है, काल्पनिक भाग, काल्पनिक भेद भाषित हो रहा है। वेदांत जैसा आगे ना, एक में अद्वितीय स्पोट दिरवेव है, नित्य है, वही सत्य है। और उसमें क्या कहा था, योगी ईव भासते, आकार का कारण संबद्ध हुए के समान भाषित होता है उपाधि के वजह से। और उपाधि सब क्या है, सब काल्पनिक नित्य है। व्याकरणकारी कह रहे हैं, व्याकरणकारी बात क्या, खुद कहा खुद ही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं ना, करे स्पोर्ट ही हमारा वास्तविक शब्द है। अब आएगा स्पोर्ट और शब्द ब्रह्म अलग है क्या, स्पोर्ट और शब्द ब्रह्म अलग है क्या, एक ही है क्या, बात खत्म हो गई। फिर कहां वेदांत व्याकरण अपन हार गया, व्याकरण तो अलग नहीं हुआ। ये कि पहले जो प्रक्रिया व्याकरणों का अपना कुछ लोगों ने समझा था वो प्रक्रिया गलत थी, स्पोर्ट बात सही है ऐसा मान के चलेंगे अब। फिर इसमें भी क्या कमी हो दिखाएंगे बाद में, कहां वेदांत और उसमें अंतर पड़ रहा है, निकट आ रहे। यहाँ एक ही साफ साफ बता दे, समस्या इतनी ही है। आप कह रहे ठीक है ये मूर्त है, मूर्त आया कहां से, हमारे उच्चारण क्रिया से मूर्त में, आपने कहा उच्चारण प्रध्वंस क्रिया हो रही है, उसे मूर्त में चंचल होने से ध्वनि अलग 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 निकल रही है, इसी आकार का आकार आदि मैं उपाधि मान लेता हूं, ठीक है, लेकिन उपाधि आए कहां से, स्पोर्ट से ही पैदा हुए या नहीं, ये कहाँ बोलेंगे, यही तो फंसेंगे, यही फंसाएंगे उनको। अब स्पोर्ट से हुआ है, फिर स्पोर्ट से एक माया माननी पड़ेगी, अविद्या माननी पड़ेगी, जहां से सब पैदा होंगे। भाई स्पोर्ट को तुम निकट वर्णन कर रहे हो, बाकी साहब को कह दे सब काल्पनिक है, यानी कल्पना किसने करा और कहाँ करा, ये तो ही बता रहे हो, ये बताना पड़ेगा ना। और हम लोग क्या किया उसके लिए व्यवस्था है, किसने करा, चिदाभास ने करा, चिदाभास कहाँ से आया, माया से आ गया, बात खत्म। माया सच्चाई क्या, अरे नहीं, खेल खत्म। इन व्यवस्था तो दे तो वेदांति हो जाएंगे, वो निकट आते हैं सभी लेकिन पीछे हट जाते हैं, थोड़ा अंतर कर गड़बड़ाए, वही विचार देगा। और देखिए तस्मात दृष्टमि नादात्मक शब्दों वीणा वेणु मृदंग पटहादि व्यंजक भेदेन नानात्मोपगच्छति। देखिए नाद है, ध्वनि है, ध्वनि तो ध्वनि है, नाद तो नादी है, लेकिन वह शब्द क्या है, वीणा में अलग से सुनाई दे रहा है, हाँ वेणु में अलग है, मृदंग में अलग है, पटहा में अलग है, अलग अलग बाजा गाजा में अलग अलग लगा।
हर आदमी के अंदर अलग अलग ढंग से आवाज आता है, एक जैसा सबका स्वर ही नहीं। ये तो सरस्वती कही, ब्रह्मा जी आप कौन से बड़े आदमी, हमसे थोड़े बड़े हो सकते हैं आप, महान थोड़ी हैं, आप इतने बड़े शरीर में आप फर्क कर देते हो, तो कौन सा बड़ा बात है। और मैं तो यहाँ सात तार है, सात तार में इतनी फर्क कर देती हूँ, एक के जैसा दूसरा नहीं हो सकता। तो हम सूक्ष्म है कि आप सूक्ष्म है, आप तो स्थूल में अंतर कर रहे हैं, हम तो सूक्ष्म में अंतर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सरस्वती महान मानना पड़ा, ब्रह्मा जी वहा वाक्य में तुम महान है, कितने सूक्ष्म है तुमने, कैसे कैसे फर्क कर दे, एक का जैसा आवाज दूसरे का हो ही नहीं सकता। स्थूल शरीर है लंबा चौड़ा, उसमें तो तुम कहीं भी अंतर कर लो, एक बाल भी अंतर कर दिया तो हो गया, इसे उसे भिन्न हो गया। तस्मात इसलिए निश्चय हुआ वाक्य पदानाम असत्व, इसलिए वाक्य में कोई पद वगैरह नहीं है। पदार्थानाम च तदर्थे च, और वाक्यार्थ में पदार्थ है ये भी मत कहो, न वाक्य में पद है न वाक्यार्थ कोई पदार्थ नाम का चीज, सब कुछ ध्वनि का खेल चल रहा है। अतएव निरवय वाक्य वाक्यार्थ, इसे वाक्य भी निरवय है, वाक्यार्थ भी निरवय है। बाधकंचत्र अवश्य कल्प अवयव कल्पनायाम यथा वाक्यस्य अवयवाः पदानि पदानामेव वर्णाः वर्णानामपि अवयवैर् भवितः तद् अवयवानामपि अवयवान्तरैर् इति आनंत्यं का व्यवस्था। यदि आप अवयव मानोगे ये समस्या होगी, अनवस्था दोष हो जाएगी। वाक्य का अवयव क्या? पद। पदों का अवयव क्या? वर्ण। वर्णों का अवयव क्या? ध्वनि। ध्वनि का अवयव क्या? ऐसे अवयव करते जाओगे, कहीं तो निर्वय माननी पड़ेगी आपको, इसे ध्वनि में निर्वय मान लो, बात खत्म हो जाए। वही कह रहे हैं कि बालकम च अत्र अवश्य कल्पनायाम भवति, यदि आप कल्पना करने लग जाओ अवयव धारा, फिर तो उसे बहुत बड़ा पद अवश्य आ जाएगा। जैसे कि वाक्य का अवयव पद मान लिया, पद का अवयव वर्ण मान लिया, वर्णों का भी अवयव, उसका भी अवयव, उसका भी अवयव, इति अनंत्यात् खा व्यवस्था से अनंतता आ जाएगी, तो क्या व्यवस्था रह जाएगी बताओ। वर्णान प्राप्य तू यदि अवयव कल्पना तो विरंतव्यम, यदि कहोगे वर्ण प्राप्त के वर्ण तक जाएंगे हम, वाक्य का अवयव पद, पद का अवयव वर्ण, वर्ण तक पहुंचने के बाद में हम विराम प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा अवयव कल्पना से विराम को प्राप्त कर जाएंगे, यदि ऐसा है तद वाक्य विरम्यताम, वाक्य में क्यों विराम किया भाई आपने, पहले भी विराम कर लेते वाक्य में ही। एवं पानकादिवत पदार्थे भी अन्य वाक्यार्थ रूप स्फोट, इसलिए पानकादि के समान पदार्थों से अलग वाक्यार्थ स्फोट माननी ही पड़ेगी। पदार्थ स्फोट अलग है, वाक्यार्थ स्फोट अलग आपको मानना ही पड़ेगा। पानकादिवत, पानकम ने पानक कैसे बनता है, पानकम लगता है दाक्षिणात्य है टीका लिखने वाला, दक्षिण भारत का होगा। दक्षिण भारत में पानक किसको करते हैं पता है, मीठा मीठा कोई भी चीज के पान पिया जाता है, जो रसना वसना आजकल जैसे बनते हैं उसको पानकम कहते हैं। महाराष्ट्र में तो पानकम ही कहते हैं मेरे ख्याल से, नहीं कर्नाटक में कहते पानकम। उसमें क्या इलायची वगैरह भी डाली जाती है स्वादिष्ट बनाने के लिए, जूस टाइप पानी चीनी है ही है, उसके अलावा अनेकों चीज डाल लो, कोई गुलाब डाला, कोई कुछ डाल दे, कुछ डाल दे, इलायची डाले वो डाले डाल, और स्वादिष्ट बना करके पिलाया जाता है। वो क्या है, वो जैसे सबका मिला हुआ एक चीज, एक नाम से व्यवहार हो रहा है, अनेक चीज मिला हुआ है। वही करे यथा ही स्वयं स्पष्ट करे, देखो पानकम क्या है, फाणित नारिकेल मरीच आदिभ्यो अर्थांतरम एव, आपने जो उसमें इलायची प्रयोग किया, नारियल का प्रयोग किया, थोड़ा काली मिर्च भी डाल दिया, और भी चीज़ें डाल डुल के आपने बना लिया, इन सब से लेकिन अलग माना जाएगा पानक को। जैसे आप दाल भी डाल देते हो, चावल डाल देते हो, सब्जी डाल देते हो, मसाला डालते हो, तेल डालते हो, छौंकते हो, जीरा वीरा सबका नाम एक खिचड़ी, और खिचड़ी क्या है न, वो चावल भी नहीं है, वो दाल भी नहीं है, वो सब्जी भी नहीं है, है क्या, ये सब का मिला हुआ एक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अर्थांतरमेव यथा च, और एक दृष्टांत
सिंदूर लाक्ष हरिताल आदिभ्य अर्थांतरमेव चित्रमिति सिद्धम एतत्। ठीक उसी प्रकार से ये स्पोर्ट को अलग आपको मानना ही पड़ेगा, इन सब से अलग, भले इन सब के कारण अभिव्यक्त हो रहा है लेकिन इन सब से उसको अलग मानना पड़ेगा। तब पूर्व पक्षी थोड़ा आशंका करता है, भाई बताओ आपने जो स्पोर्ट बोला अभी और अब तक पहले व्याकरण तुम लोग शब्द ब्रह्म बोलते रहे, पश्यंती शब्द ब्रह्म परा पश्यंती, अब कहाँ से स्पोर्ट, ये कहाँ से शब्द टपका दिया आपने, ये और अलग अलग चीजें क्या, ये शंका। तत्र तयो स्फोट शब्द ब्रह्मण और उभय और भेदे द्वैतापत्ति ही, स्फोट अलग है शब्द ब्रह्म अलग है कहोगे तो द्वैतापत्ति हो जाएगी। अभेदम एवं आहो, इसलिए आपको क्या कहना पड़ेगा, जो अब तक मैं जिसे शब्द ब्रह्म कहता था उसी को अब स्फोट शब्द से कह रहा हूं। इन पहले जिस अवस्थाएं हम ले रहे थे वो सब छोड़ दिया, अब पश्यंती नहीं मध्यमा नहीं वैखरी ये सब छोड़ दो, ये सब कल्पना है बेकार है सब, अब तक पश्यंती पहले नित्य कह रहा था ना सब छोड़ दिया, स्फोट एक सत्य है वही नित्य है बाकी सब कल्पना, तभी एक में अद्वितीय सिद्धि होगी। यदि यथा पदे वर्णा न संति, कि जिस प्रकार से पद में वर्ण नहीं है, सिर्फ वाक्य से पदानि न संति, वाक्य में पद नहीं है, आपने कहा ये सब पूर्व पक्ष चल रहा है सत्यमेत तक, यहां से विकल्प उठाया, यदि आप भिन्न कहोगे तो द्वैतापत्ति, अभिन्न कहोगे तो क्या समस्या, वो बता रहा है अभेद में भी क्या समस्या, पूर्व पक्ष है ये, तत्र से सब पूर्व पक्ष चलेगा सत्यमेत तक, जैसे पद में आपने कहा वर्ण नहीं है, वाक्य में पद नहीं कहा, इसलिए मैं कहूंगा फिर महावाक्यों में वाक्यांतराणि अपि न स्युः, ततोपि महावाक्यानि अपि प्रकरण अपेक्षया न स्युः, फिर तो प्रकरणी स्फोट कहो ना, वाक्य को स्फोट क्यों बोलते हो, फिर तो प्रकरण से बड़ी हुई ना, प्रकरण में महावाक्य होता है, महावाक्य में वाक्यांतर, वाक्यांतर में वाक्य, वाक्य में पद, पद में वर्ण, और आप वाक्य को ही से ले रहे हो स्फोट सीधे, क्यों, आपने कहा वर्ण नहीं है, वर्ण की अपेक्षा से पद, पद की अपेक्षा से वाक्य, और वाक्य से स्फोट, क्यों भाई, वाक्य भी वास्तविक कुछ नहीं है, किसकी अपेक्षा से, वाक्यांतरों की अपेक्षा से, वाक्यांतर भी कुछ नहीं है महावाक्य की अपेक्षा से, और महावाक्य भी कुछ नहीं है प्रकरण की अपेक्षा से, सिर्फ प्रकरण से स्फोट बोलना चाहिए आपने, वाक्य से कैसे कह रहे हो, ये क्या आपत्ति, इतना ही नहीं वास्तव में प्रकरण भी नहीं है कह दिया, प्रकरण कहां से है, अरे प्रकरण होते कहां, शास्त्र में, तो शास्त्र में अनेक प्रकरण होता है, ये प्रकरण एक शास्त्र है, वो प्रकरण एक शास्त्र नहीं है ना, सब प्रकरण मिल गए एक शास्त्र है, शास्त्र से स्फोट मानो फिर, वही आगे बढ़ाया आगे, इसलिए शंका, ततो भी प्रकरणानपि शास्त्रापेक्षा न स्यु, प्रकरणानि अपि जितने प्रकरण है वे भी शास्त्र अपेक्षा से वास्तव में नहीं है, शास्त्र ही एक है उसमें अनेक प्रकरण, ततश्च एकमेव इदं शास्त्र तत्त्वम् अविभागम् अद्वयम् आपतति इति आक्षिप्ते आत्ताहुः, फिर तो एकमेव अद्वितीय शास्त्र तत्व ही मानना पड़ेगा, अविभागे अद्वय है शास्त्र ही अद्वैत है ये माननी पड़ेगा, और शास्त्र ही अद्वैत होने से वही स्फोट रूप है, स्फोट और कुछ नहीं शास्त्री स्फोट, ये आपत्ति आएगी अभेद पक्ष में, कि शब्द ब्रह्म को अपने तरतम्य कर दे गए, वर्ण से पद, पद से वाक, वाक से अवान्तर वाक्य, महावाक्य, प्रकरण, शास्त्र लास्ट है, शास्त्र ऊपर तो शास्त्र किसी और का हिस्सा नहीं है ना, वेद किसी और का हिस्सा नहीं है, वेद अनादि अनंत है वो, फिर उसी को आपको मानना पड़ेगा स्फोट है, यह आपत्ति हो जाएगी, तथा हो तब सिद्धांति व्याकरण कदा सत्यम में, तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, हम तो यहीं पर पहुंचना चाहते थे, आपने सही समझा है मेरी बात, क्योंकि शास्त्र भी है क्या, वाक्य समूह के अलावा कुछ भी नहीं, शास्त्र है क्या, अरे पुस्तक है क्या, कोई ग्रंथ अलग है क्या, अरे जितने वाक्य समूह है वाक्य समूह के अलावा अतिरिक्त कोई ग्रंथ नाम का चीज नहीं है, इसे जब प्रकरण नाम रख लो, ग्रंथ नाम रख लो, महावाक्य को वाक्य, कुछ भी नाम रखो, है वो वाक्य ही, अतः वाक्य से जो मैं जो स्फोट कह रहा हूं गलत नहीं कह रहा हूं, स्थापित कर देता है सत्य में, तत्
शब्द ब्रह्मैव इदं अद्वैम अनादि अविद्या वासन उपप्लवमान भेदम अर्थवेन विवर्तते। वह स्फोट जो शब्द ब्रह्म है, जो शास्त्र है, वेद है, वही एक में अद्वितीय है। इदम शास्त्रम अद्वयम, वही अद्वय है, वही अनादि है। इन अविद्या वासना के वजह से वह भेद रूप से अर्थ भेदेन विवर्तते, अर्थ भेद रूपेण विवर्त होने लगता है। न तो वाचका विभक्तम वाच्यम अपि नाम किंचन अस्ति, इसे वाचक से अलग वाच्य नाम का चीज ही नहीं है। देखो आगे ना मांडुक्य में अभिधान से अभिधेय भिन्न कुछ नहीं, जो वाचक शब्द से वास्तव वाच्य वस्तु बाहर है कुछ नहीं, दिमाग में सारा खेल है। अब यही तो नसरुद्दीन शाह का कहानी में आता है ना, तो ख्वाजा हजरत नसरुद्दीन, उसी कहानी में आता है, शब्द से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वो कैसे सिद्ध किया उसने, एक बार ऐसे हुआ, बहुत सारा खच्चर लेके चलता था, रस्सी नहीं थी, एक टुकड़ा मिल गया उसको कहीं से, और उसने क्या सब खच्चरों के पैर को छूता था, हाँ बांध दिया तेरे को, हाँ बांध दिया तेरे को, हाँ बांध दिया तेरे को, और खच्चर समझे बांध दिया इतने से ही। अरे बोलते हुए तो छुआया ना रस्सी को, बांधा तो कुछ है नहीं, न बांधने लग रस्सी थी उसके पास। उसने सवेरे हुआ, हाँ चल, कौन चले, बांध रखे हो तो चले ही नहीं वो कोई खच्चर। और फिर उसको दिमाग आ रही, तो मैंने कल बोल रखा था शब्द, इनके दिमाग से शब्द निकालनी पड़ी, हाँ खोल दिया चल, हाँ खोल दिया चल, हाँ खोल दिया चल, हर रस्सी को छुए बोलते जा, और सब भागे, न बंधे थे न खोले। तब नसीरुद्दीन शाह इसलिए वाले कहता है कि भाई ये सब शब्द का खेल था, न रस्सी थी न किसने बांधा था, दिमाग में बिठा दिया गया है हमने तुमको बांध दिया, हम दिमाग में बोला हमने तुम्हारे इसको खोल दिया, हर शब्द का खेल था। जो शब्द अलग, कोई रस्सी वास्तव में होता, वास्तव बंधा हुआ होता तो बात अलग थी, वह कुछ भी नहीं, दिमागी खेल चल। कई बार होता है ऐसे, किसी के दिमाग में कोई बात फंस जाता है ना, आप सौ समझाइए कोई नहीं माने, किसी का नहीं मानेगा। ये जो लड़की बोलते हमको नींद नहीं आ रही, अब जितना भी समझा, सो रही आंखों को देखने से पता है सो गई वो, और बार बोलते मेरी नींद नहीं आ रही, आंख खोले थे, अरे सोती है, अरे क्या करें, दिमाग फितुर का चढ़ा हुआ है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं सो रही हूँ, मैं आंख खुले रहते, क्या करें, कमरे के अंदर क्या कर रही, भगवान चुटकी लगा सो जाती है। अरे इतने महीने में कहां बिना नींद को कोई जी सकता है, सवाल ही उठते, छह महीना हो गया, छह महीने से घर में सो नहीं रही, अच्छा दिमाग में बात फंसा पड़ा है, जो उसमें शौक जो हुआ उसको, वो शौक के कारण दिमाग में फंस गई बात, उसे लगता है मैं सो ही नहीं रही, मैं सो ही नहीं सकती, आप दिमाग से निकाले कैसे, या तो उसे दूसरे शादी कर दे, सब भूल जाए उसमें, तब वो निकलेगा, दवा से कितना करेंगे, क्या कर पाएंगे। दिमाग में कोई शब्द फंसता है और दिमाग वो घूमते रहेगा, वही शब्द घूम रहा है ना, उधर मैं सो ही नहीं, मैं सो ही नहीं, मैं सो नहीं सकती, ये शब्द घूम रहा है, गैस बन गया एक तरह से, बड़ा विचित्र संसार। इसलिए न तो वाच का विभक्त वाच्यमपि नाम किंचन अस्ति, तस्मात् काल्पनिक एव अयम् वाच्यवाचक विभाग इति स्फोटवादः। इसलिए वाच्यवाचक विभाग वाले जो कुछ भी है सब कुछ काल्पनिक है, क्या सत्य है, एकमात्र स्फोट सत्य है, इस तरह स्फोटवाद की सिद्धांत हुई। अब ये स्फोटवाद तीन पक्ष खड़ा कर, पहला दूसरा तीसरा। पहले वालों ने तो माना प्रत्येक में स्फोट अलग अलग होता है, वर्ण स्फोट, पद स्फोट, वाक्य स्फोट, महास्फोट, प्रकरण स्फोट, सब स्फोट मानता। दूसरे पक्ष ने कहा कि नहीं, वह प्रकाश रूप है, पहला वर्ण से ही शब्द प्रकाशित हुआ, पद स्फोट आदि मानने की जरूरत नहीं है, अन्य वर्ण को उच्चारण की जरूरत क्या पड़ी, कहते उसी प्रकाश को और स्पष्ट कर लेंगे, वही स्फोट को और मजबूत। तीसरे ने कहा नहीं, इन वर्णों से अलग है स्पोर्ट, वर्णों से कोई लेन देन नहीं है,
कि वर्णों की कल्पना आपने कर रखी है, वाच ध्वनि से स्फोट होता है। स्फोट का अभिव्यंजक उपाधि ध्वनि, ये तीसरा पक्ष में। इन तीन पक्षों का एक एक कर खंडन के तद अनुपत्तिम दर्शयति तदैक्य वा इति, तदैक्य वा इति जो श्लोक में आया है, तदैक्य वा है ना, 58वें श्लोक में है, तदैक्य वा उत्तरार्ध में, तदैक्य वा 58वें श्लोक के उत्तरार्ध में है, उसको इन्हें संकेत करो जिस पर टिप्पण था 9 यहाँ। स्फोट ये वही पश्यन्ति तदन्या वा द्वयं भवेत् तदन्यत्ते तदैक्ये वा तदंगुल्यग्ररूपया वाक्यगत्यात्र सत्यत्वं लभ्यते न विशेषता आप्तानाप्त विचारो वा सर्वथैव निवर्तते।